हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ अर्थमेटिक ऑपरेशन, और इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले एडिशन ऑपरेशन की, और एडिशन ऑफ टू अनसाइंड नंबर्स की हम बात करेंगे। और अनसाइंड नंबर हम कौन कौन से लेंगे, बाइनरी नंबर लेंगे, ऑक्टल लेंगे, हेक्साडेसिमल लेंगे, क्योंकि डेसिमल का आप बचपन से ही करते आ रहे हो कि कैसे एडिशन करनी होती है। ऑल्दो बाइनरी, हेक्सा और ऑक्टल में भी कॉन्सेप्ट सेम ही है, लेकिन आपको बस थोड़े पॉइंट जो है वो दिमाग में रखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बाइनरी। अब देखो, बाइनरी में यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाइनरीज अगर हम बात करें, बाइनरी में हमारे पास दो ही सिंबल है, जीरो और वन, दो ही नंबर है, जीरो और वन। अगर हम बात करें जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, तो देखो जीरो प्लस जीरो क्या है, जीरो, जीरो प्लस वन क्या है, वन, वन प्लस जीरो क्या हो गया, वन। एक ही कंडीशन याद रखनी है, दैट इज वन प्लस वन इज जीरो एंड वन इज व्हाट, कैरी। मतलब ये क्या आया मेरे पास, सम, और ये क्या आया, कैरी। तो ये वाली कंडीशन जो है वो आपको हमेशा याद रखनी है। अब देखो, ये जो हम इंप्लीमेंट करते हैं ये तो हाफ एडर फुल एडर की हेल्प से करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिंपली एडिशन की बात कर रहे हैं। तो देखो, हमारे पास अगर दो बाइनरी नंबर दिए हैं, फोर फोर डिजिट के, फोर फोर डिजिट के दो बाइनरी नंबर दिए हैं। लेट्स से नंबर है 0101 एंड सेकेंड नंबर इज लेट्स से 1000। गेटिंग द पॉइंट, ये हमारे पास नंबर है। अब देखो, यहां पे अगर हम बात करें 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1 एंड 0 प्लस 1 क्या हो गया, 1। गेटिंग द पॉइंट, सिंपल। अब ऐसे ही अगर मैं लेट्स से, ये तो सिंपल वाला हो गया, अगर लेट्स से आ जाता है 1010 एंड 0011, इस तरीके से अगर आपको आ जाता है तो 1 प्लस 0 क्या आ गया, 1, 1 प्लस 1 0 एंड 1 इज व्हाट, कैरी। 1 प्लस 1 क्या बन गया, 0 एंड 1 इज व्हाट, कैरी। कैरी जो है वो नेक्स्ट वाले में ऐड करेंगे, तो 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, तो आंसर क्या आया, टोटल 1। नेक्स्ट अगर हम बात करें 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 क्या आ गया, आंसर 1। तो देखो, ये है बिल्कुल डेसिमल की तरह ही। जैसे डेसिमल में अगर हम बात करें, ये डेसिमल में मेरे पास क्या है, 5, और अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ ये क्या है, 8, तो टोटल क्या आएगा, 13। तो वही ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 13 को। ऐसे अगर हम ये बात करें 10 और ये क्या है, 3, तो टोटल ये क्या आ गया, 13। सिंपल आपको क्या करना है, इस तरीके से एडिशन करनी है। छोटा सा पॉइंट एक अपने माइंड में रखना है, क्या लेट्स से अगर मेरे पास फोर डिजिट का नंबर है, एक नंबर है लेट्स से 1010 और दूसरा नंबर है लेट्स से मेरे पास 1110। गेटिंग द पॉइंट, तो इस तरीके से अगर हम करते हैं एडिशन, तो 1 प्लस 0, यहां पे 0 प्लस 0 क्या हो गया, 0, 1 प्लस 1 0 और एक कैरी। गेटिंग द पॉइंट, ये क्या हो गया, 1 प्लस 1, 1 प्लस 0 क्या हो गया, 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया, अगेन 0 और एक कैरी। तो देखो, 1 प्लस 1 क्या हो गया, 0 और 1 क्या आ गया, कैरी। गेटिंग द पॉइंट, 1 प्लस 1 क्या हो गया, 0 और 1 हमारे पास क्या आ गया, कैरी। और 0 प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा, 0 प्लस 1 इज 1। गेटिंग द पॉइंट, तो यानी मेरे पास आंसर क्या आ गया, ये जो मेरे पास बिट आ रही है, ये एक्स्ट्रा में ये बिट आ रही है, इसको बोलते हैं हम क्या, ओवरफ्लो बिट। ये हमारे पास क्या है, ओवरफ्लो बिट, यहां पे इसको हम बोलते हैं। कई बार आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर मैं n बिट का नंबर लेता हूं, दूसरा भी n बिट का नंबर लेता हूं, तो सम करते हैं तो मेरे पास नंबर जो है वो क्या आ रहा है, जनरली n बिट का ही आता है, लेकिन एक जो है MSB में, अगर MSB में दोनों क्या होंगे, 1-1 होंगे, तो उस केस में मेरे पास क्या आ सकता है, ओवरफ्लो बिट, मतलब एक कैरी एक्स्ट्रा आएगी, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। सिस्टम मतलब मैं चार डिजिट का नंबर ले रहा हूं, तो चार डिजिट के नंबर में रेंज क्या बनेगी, 0 से 15 तक की रेंज बनेगी, तो ये नंबर क्या है, 10, और ये नंबर मेरे पास क्या है, 14, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 14, तो आंसर क्या है मेरे पास, 24, टोटल आंसर क्या है, 24। तो देखो, 24 इस रेंज का पार्ट है, नहीं है, तो मेरे को यानी ये वाली बिट जो है वो क्या करनी पड़ेगी, एक तरह से आप कह सकते हो डिस्कार्ड करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं इसको डिस्कार्ड करता हूं तो आंसर क्या बन रहा है मेरा, 1000, विच इज 8। तो देखो, 8 तो हो नहीं सकता इसका सम, एक्चुअल में इसका सम क्या है, 24, लेकिन ये जो 1 है ये क्या है मेरे पास, एक्स्ट्रा बिट जो है आ रही है, जिसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो। तो इसीलिए मैक्सिमम क्या, कितनी बिट आ सकती है, n प्लस 1, विच इज नॉट इन द रेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजिट। तो ये 0 से 4 की रेंज में नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, आउट ऑफ द रेंज। तो ये कई बार इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं बाइनरी में, एडिशन में इतना ही है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। देन अगर हम बात करें ऑक्टल की, ऑक्टल के केस में क्या है, हमारे पास जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0 से 7, 0 से 7 हमारे पास रेंज है। अब लेट्स से अगर मेरे को इस तरीके से आ जाता है 642 और उसमें मुझे ऐड करना है लेट्स से 3 2 1। गेटिंग द पॉइंट, इस तरीके से अगर मुझे कुछ ऐड करना है तो होगा क्या, देखो 2 प्लस 1 क्या हो गया, 3, 4 प्लस 2 क्या हो गया, 6,
इट इज अ पार्ट ऑफ दिस रेंज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन 6 प्लस 3 क्या हो गया? 9. अब यहां पे अगर हम 9 लिखेंगे तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? गलत. रीजन उसका क्या है? 9 अगर मैं यहां पे लिखता हूं, 9 इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑक्टल नंबर सिस्टम. 9 इसको हम नहीं लिख सकते, तो फिर इसको क्या लिखेंगे? मतलब मुझे 9 को क्या करना पड़ेगा? ऑक्टल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 9 आ रहा है ये एक तरह से डेसिमल में आ रहा है. हम सिंपली क्या कर रहे हैं, 2 प्लस 1 किया 3. अब ये 3 डेसिमल में है, लेकिन 3 जो है वो ऑक्टल वाले रेंज में भी है, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 3. 2 प्लस 4 क्या आ गया? 6. 6 डेसिमल ही है लेकिन ये ऑक्टल की रेंज में भी आ रहा है, तो यानी क्या हो गया? 6. 6 प्लस 3 क्या हो गया? 9. 9 डेसिमल में है बट ये ऑक्टल में नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे? 9 को डिवाइड करेंगे किससे? मतलब मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा मेरे पास? यहां पे आंसर क्या आएगा? 11 यहां पे आंसर आएगा. तो आप इसको क्या लिखोगे? 1 1. गेटिंग द पॉइंट? ये एक जो क्या हो गया आपका, एक तरह से ओवरफ्लो बिट यहां पे हो गई. तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एडिशन जो है वो ऑक्टल में करते हैं. और एक और चीज आप याद रख सकते हो, लेट्स से अगर हम नंबर की बात करें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से अगर आपके पास नंबर है तो देखो ऑक्टल में हमारे पास सेम ही है. 0 1 2 3 4 5 6 तक तो सेम है, 6 तक तो क्या है? सेम. लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें 7, तो यहां पे 7 भी मेरे पास क्या होगा? बिल्कुल सेम ही आएगा, क्योंकि 0 से 7 ये डेसिमल में भी सेम ही है और ऑक्टल में भी सेम है. लेकिन नेक्स्ट जो नंबर है यहां से मेरे पास स्टार्ट हो रही है. अब 8 देखो, डेसिमल में 8 है लेकिन ऑक्टल में 8 नहीं है, तो फिर हम इस केस में क्या लिखेंगे? हम इस तरीके से एक तरह से 8 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ऑक्टल से. तो आंसर क्या आएगा मेरे पास? 10 आंसर आएगा. फिर हम 9 को क्या लिखेंगे? 11 12 13 14. इस तरीके से हम लिखते जाएंगे. ऐसी अगर हम बात करें 13 14 15 16 17, तो आगे वो देखो वही 14 क्या हो गया, नेक्स्ट 15 16 17. इस तरीके से आपको क्या है, चलते जाना. ये हमारे पास ऑक्टल की रेंज बन गई, ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल डेसिमल की रेंज है. तो अब देखो कुछ भी आपको नंबर ऐड करना है, लेट्स से ऑक्टल में हम और नंबर ले लेते हैं, 1 4 6 and 1 3 6. कुछ भी आप नंबर ले लो, तो देखो 6 + 6 क्या करोगे? 12. तो देखो 12 यहां पे मेरे पास डेसिमल में 12 आया, लेकिन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्टल में क्या वैल्यू है? ऑक्टल में है ये 14. तो यानी 4 यहां पे लिखना है और 1 क्या है? कैरी. गेटिंग द पॉइंट? वही सेम सिंपल, 4 यहां पे 1 कैरी. अब देखो 4 + 3 7 7 + 1 8. लेकिन अब देखो 8 यहां पे ऑक्टल में तो होता नहीं, तो ऑक्टल में 8 का क्या बनेगा? 10 बनेगा. तो यानी 0 यहां पे लिखोगे, 1 कैरी, 1 + 1 + 1 3. तो 3 तो हमारे पास ऑक्टल में भी होता है, डेसिमल में भी होता है, तो सिंपल 304 आपका आंसर आ गया. तो ये कंडीशन जो है वो आपको याद रखनी है ऑक्टल के केस में. ऐसी अगर हम बात करें हेक्साडेसिमल, तो देखो हेक्साडेसिमल में भी वही है, हमारे पास अगर देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को हम क्या लिखते हैं यहां पे? ए बी सी डी ई एफ. गेटिंग द पॉइंट? ये वाली तो हमारी बिल्कुल रेंज जो है वो डेसिमल और हेक्साडेसिमल वाली, यहां तक तो सेम है. लेकिन अब अगर आते हैं मेरे पास 16, तो 16 को मैं वहां पे क्या लिखूंगा? अगेन 16 को हम क्या लिखेंगे यहां पे? 16 को हम एक तरह से क्या लिखेंगे? 10. गेटिंग द पॉइंट? क्या लिखेंगे हम उसको? 16 को 10. वही 16 को 16 से डिवाइड करोगे. सिंपली मैंने पहले भी बता रखा है कि कैसे हम हेक्साडेसिमल से डेसिमल में या डेसिमल से हेक्सा में कन्वर्ट करते हैं. तो यहां पे मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 10. फिर मेरे पास वही 17 की अगर हम बात करें, तो 17 यहां पे क्या बन जाएगा? 11 बन जाएगा. फिर अगर हम बात करें 18 19 20 21 22 23 24 25, तो ये यहां पे क्या बनते जाएंगे? 12 13 14 15 16 17 18 19. फिर उसके बाद 20 नहीं लिखना, क्या लिखना उसके बाद आपको? 1A. गेटिंग द पॉइंट? फिर 1B 1C. इस तरीके से आपको जो है वो सीरीज याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली कन्वर्ट भी कर सकते हो. लेकिन अगर आप इस तरीके से याद रखते हो कुछ नंबर्स, आपके इजी जो है वो एडिशन हो जाती है. अब देखो अगर मुझे हेक्साडेसिमल नंबर लेते हैं, लेट्स से नंबर लिया ए, लेट्स से नंबर लेते हैं हम 8A एंड नंबर इज बी, और दूसरा हम ले लेते हैं लेट्स से 9 3 C, कुछ भी आप ले लो. अब देखो यहां पे B की अगर हम बात करें, तो B यहां पे किसके बराबर है? B मेरे पास किसके बराबर है?
11 के बराबर है। बी किसके बराबर है? एक तरह से 11 के बराबर है। डेसिमल में हम बी को क्या लिखते हैं? 11 लिखते हैं। सी को क्या लिखते हैं? 12 लिखते हैं। सी को क्या लिखते हैं? 12 लिखते हैं। तो टोटल क्या आ गया मेरा आंसर? टोटल क्या आ गया यहाँ पे? 23। आंसर क्या आ गया? 23। लेकिन ये क्या है? डेसिमल में है, मुझे लिखना है इसको हेक्साडेसिमल में। तो 23 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको यहां से चेक करना पड़ेगा। 23 के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप यहां से चेक करोगे तो आंसर आई थिंक आपका आएगा 17। आंसर क्या आएगा आपका? 17। गेटिंग द पॉइंट? तो यहां पे आपने क्या लिखना है? 7। कैसे आया? वैसे आप रेंज से भी फाइंड आउट कर सकते हो, अदरवाइज सिंपली कुछ भी नहीं है इसमें। 23 आया ना, उसको 16 से डिवाइड कर दो तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 16 से डिवाइड करोगे 1 पे जाएगा, पीछे हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा? 7 रिमाइंडर बचा, वही मैंने सीरीज लिखी है। चाहे आप इस तरीके से कर लो, आपको क्योंकि देखो एक आधा क्वेश्चन नहीं आएगा तो उसके लिए आपको सीरीज याद रखने की जरूरत नहीं, आप इस तरीके से कन्वर्ट करके भी फटाफट से कर सकते हो। तो ये क्या आ गया? 17। 1 यहाँ पे चला गया, ए। ए का मतलब क्या होता है? 10। 10 प्लस 1 11। 11 प्लस 3 14। 11 प्लस 3 क्या हो गया? 14। 14 को हम क्या लिखते हैं? 14 को हम हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं? E लिखते हैं। गेटिंग द पॉइंट? 14 को हम हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं? E लिखते हैं। और यहाँ पे कोई कैरी आया? नहीं आया। तो बस नेक्स्ट क्या है? 9 plus 8। 9 plus 8 हमारे पास क्या है? 10, 17, 17 आ गया। तो 17 को हम जनरली क्या लिखते हैं? 17 को हम लिखते हैं क्या? 11। 17 को हम हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं? 11। तो ये आपके पास क्या आ गया? आंसर आ गया। ये आपकी क्या होगी? एक तरह से ओवरफ्लो बिट यहां पे होगी, एक एक्स्ट्रा बिट यहां पे आ रही है, दैट इज कॉल्ड अ ओवरफ्लो। तो देखो सिंपली हमेशा याद रखना कि चाहे ऑक्टल में करो, हेक्सा में करो, बाइनरी में करो, सिंपली आपको करना है एडिशन। तो एडिशन का जो वैल्यू आ रही है वो आपको डेसिमल में ही आएगी। सिंपल, जब भी देखो हमने किया है एडिशन आपका, जैसे यहां पे भी किया था, यहां भी किया था, तो डेसिमल में ही आ रहा है आंसर। लेकिन आपको डेसिमल में एज इट इज लिखना नहीं है, क्योंकि डेसिमल की रेंज तो 0 से 9 है, हेक्साडेसिमल की रेंज 0 से 15 है, और ऑक्टल की रेंज 0 से 7 है, और बाइनरी की रेंज 0 और 1 है। तो यानी आपको बस उसको लिखते टाइम याद रखना, कैलकुलेट करते टाइम तो आपको डेसिमल में ही कैलकुलेट करना है, लेकिन जब लिख रहे हो उस टाइम पे आपको जो नंबर सिस्टम में आप कर रहे हो ना, उसी नंबर सिस्टम में आपको उसको कन्वर्ट करके लिखना है। बस ये पॉइंट याद रखना, इसके अलावा एडिशन में कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके का क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आ जाता है कि यार इस तरीके के अगर मेरे को ऑक्टल, हेक्सा या फिर बाइनरी दिया हो, या इसके अलावा कोई और भी दिया हो, कोई मर्जी नंबर सिस्टम दिया हो आपको बाइनरी में, चाहे इसके अलावा बेस 3 हो, बेस 7 हो, बेस 9 हो, कोई मर्जी बेस हो, आपको सिंपली ऐड करोगे तो डेसिमल में आपके पास आंसर आएगा। बस डेसिमल से आपको कन्वर्ट करना है उस पर्टिकुलर बेस में। तो आपको पता ही है यही डिवाइड वाला फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं, तो वो फॉर्मूला यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।